हमारे इस पृथ्वी पर कई तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। इन जीवों में कई तो काफी खूबसूरत होते हैं तो कई बेहद ही खूंखार और बदसूरत। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे जीवों से रूबरू करवाने वाले हैं जिन्हें वैज्ञानिक भी देखकर आज ताज्जुब में पड़े हुए हैं कि आखिर ये इतने अद्भुत जीव कहां से आए हैं। तो चलिए साथियों, आज हम आपको कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब जीवों से मिलवाते हैं जिससे आज तक पूरी दुनिया अनजान थी। लेकिन हमारे इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 1, द पिंक फेरी आर्माडिलो। दोस्तों, ये किसी फेरी की तरह आपकी विशेष तो पूरी नहीं कर सकती और ना ही इनके पंख होते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये जीव अपने आप में कुछ ज्यादा ही क्यूट होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 15 मिलीमीटर के बीच होती है। इसके साथ ही इनका वजन 1 पाउंड के करीब तक हो सकता है। इसका डोर से लगभग इनके शरीर से अलग ही होता है। साथ ही ये जानकर सेंट्रल अर्जेंटीना के ड्राई गार्स लैंड के सैंडी प्लेस में पाए जाते हैं। इन्हें रेतीले स्थान काफी ज्यादा भाते हैं क्योंकि ये अपने आप को जमीन में छुपाने में काफी ज्यादा माहिर होते हैं और कुछ ही सेकंड्स में ये गड्ढा खोदकर छुप जाते हैं। ये ना सिर्फ आंट को खाती है बल्कि ये वार्म स्नैक और प्लांट मैटर को भी खा लेती है। साथियों, इनकी अब प्रजाति विलुप्त सी होती जा रही है जिसका एक बड़ा कारण लोगों द्वारा इन्हें पालने का शौक है। नंबर 2, जैपनीज स्पाइडर क्रैब। दोस्तों, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये स्पाइडर जापान में पाए जाते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि जापान के कई हिस्सों में इन्हें खाने में भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन इनको पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ये दूसरे स्पाइडरों के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े होते हैं और इनका वजन भी लगभग 44 पाउंड तक हो सकता है। इसके साथ ही इनके पैर 13 फीट तक लंबे हो सकते हैं। मतलब ये ना सिर्फ आपके ऊपर आसानी से चढ़ सकते हैं बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े क्रैब्स को भी टक्कर देते हैं। आपको बता दें कि ये सिर्फ एल्गी मॉसर और छोटे मोटे जानवरों को ही खाते हैं, लेकिन इनको सबसे ज्यादा पसंद है वो जानवर जो पहले से ही पानी के अंदर मर जाते हैं, क्योंकि इन्हें खाने के लिए शिकार ना करना पड़े। ये ज्यादा मेहनत ना करने वाले स्पाइडरों में से एक है। नंबर 3, दीपाकू। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे फिश को देखा है जिसके दांत इंसानों की तरह होते हैं? अब हम भी आपको बता दें कि हम भी कभी ऐसी मछली बिल्कुल भी नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन आपको हम ये भी बताएंगे कि अमेज़न में एक ऐसी फिश पाई जाती है जिसका नाम पाकू पिराना है। ये फिश फ्रेश वाटर में ही रहती है और बहुत ज्यादा संख्या में पाई जाती है। पाकू की बहुत सी मछलियां पिराना की तरह ही लगती है, लेकिन उनके बीच का ये अंतर होता है कि पिराना के दांत ट्रायंगुलर की शेप में होते हैं, जबकि पाकू के दांत बिल्कुल इंसानों की तरह स्क्वायर शेप में होते हैं। इनकी ज्यादातर स्पीशीज शाकाहारी होती है और इन्हें पेट बनाकर रखा जाता है। दोस्तों, इस मछली में एक इंटरेस्टिंग खूबी ये भी होती है कि ये अपने मालिकों को पहचान सकती है। इनके इसी बिहेवियर के कारण आज लोग इन्हें अपना पेट बनाने की सोचते हैं। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि ये फिश काफी तेजी से बड़ी होती है और ये 13 इंच तक लंबी भी हो सकती है। मतलब अगर आप भी इन्हें पेट बनाने की सोच रहे हैं तो आपको इनको किसी बड़े से तालाब के अंदर ही रखना होगा। नंबर 4, एक्सोलोटल। दोस्तों, ये असली जीव कम और पॉकेबॉन ज्यादा लगते हैं। ये एक्सोलोटल्स असल में एक सेलेमेंडर होता है जो मैक्सिको के आसपास के तालाबों में पाए जाते हैं। ये अपने लार्वा फीचर को अपनी पूरी जिंदगी बनाए रखते हैं। इस क्वालिटी को नियोटोनिक कहते हैं। जैसे कि इनके टेंट पूल जैसे डॉल्फिन पूल को ही देख लीजिए, ये इनके पूरे शरीर पर होता है और इनके गिल्स जो इनके सर के पीछे की ओर निकले होते हैं। एक चीज जो इन्हें दूसरे सेलेमेंडर से अलग बनाती है वो ये कि ये ज्यादातर पानी के अंदर ही होते हैं और रेयर चांसेस पर ही पानी से बाहर आते हैं। ये जीव सिर्फ 15 सालों तक ही जी सकते हैं और ये इंसेक्ट, मोलस, लार्वा और कुछ छोटी छोटी मछलियों को खाती हैं। इसके साथ ही अगर इनके इलाके में कोई बड़ी सी चीज आ जाए या फिर हेरोन्स आ जाए तो इन्हें इनसे काफी ज्यादा खतरा होता है। आज इनकी भी प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त के कगार पर आ गई है, क्योंकि आज शहरों का गंदा पानी उनके तालाब में आकर मिल जाता है। साथ ही इंसान आज इन्हें पेट काफी ज्यादा भारी मात्रा में बनाना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जनसंख्या में गिरावट आ रही है। नंबर 5, द ब्लू ड्रैगन। दोस्तों, आप जब इस स्लग के बारे में सोचते हैं तो आपको गेंदे से दिखने वाले येलो कलर के चिपचिपे जीवों का ख्याल आता होगा जो आपके गार्डन में घूमते रहते हैं, लेकिन ब्लू ड्रैगन स्कल इनसे काफी अलग होते हैं। ये न्यूली ब्रांड फैमिली के सदस्य होते हैं और इन्हें सी स्लग भी कहा जाता है। इन्हें देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि ये किसी दूसरे ग्रह से आए हो, लेकिन साथियों हम आपको बता दें कि ये 101% इसी पृथ्वी के जीव है। ये आपके गार्डन में घूमने वाले स्नेल की तरह ही होते हैं। आप ये थोड़े से कलरफुल जरूर होते हैं,
साथ ही साथ ये काफी ज्यादा जहरीले किस्म के जीव भी होते हैं। इसीलिए जब भी आपको ये कभी दिख जाए आप इन्हें छूने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। नंबर 6, ही स्लो लॉरिस। दोस्तों, स्लो लॉरिस साउथ ईस्टर्न एशिया में पाए जाते हैं और ये रात के समय में ही बाहर निकलते हैं। साथ ही दिखने में काफी ज्यादा स्वीट लगते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये काफी खतरनाक भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनके दांत काफी ज्यादा जहरीले होते हैं और ये इंसानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ग्रूमिंग के दौरान ये जहर अपने बच्चों के सर पर भी लगा लेते हैं। इसके बावजूद भी इन्हें कई सारे देशों में पेट के तौर पर आज भी रखा जाता है। इसके लिए इनके दांतों को तोड़ दिया जाता है, जो कि आप भी ये सुनकर काफी ज्यादा बेकार महसूस कर रहे होंगे, पर इनके दांतों को तोड़ने की वजह से इन्हें दुनिया के ज्यादातर देशों में पेट्स के तौर पर रखना गैर कानूनी माना जाता है। साथ ही ये ज्यादातर समय अकेले में ही बिताना पसंद करते हैं, पर आपको ये कभी भी दूसरे स्लो लॉरिस के साथ भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इनके एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बिना किसी आवाज किए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज इनकी भी प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर आ चुकी है, क्योंकि आज इनको काफी भारी मात्रा में पेट बनाने की वजह से इनकी भी जनसंख्या कम होती जा रही है। दोस्तों, क्या भारत में भी इन्हें पेट बनाने पर पाबंदी लगानी चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 7, ब्लॉब फिश। दोस्तों, 2013 में हुए एक सर्वे में ब्लॉब फिश को दुनिया का सबसे अद्भुत जीव माना गया और ये आज भी अपने नाम के टाइटल पर खरे उतरते हैं। इनकी बॉडी जेलेटिन की तरह होती है। ये अपनी छोटी छोटी आंखों और बड़े से मुंह के कारण काफी ज्यादा मशहूर है। ये स्पीशीज साइकोलोटस नाम की फैमिली से बिलोंग करती है, जिन्हें पेट हेड भी कहा जाता है, यानी कि जिनका सर बहुत बड़ा होता है। साथियों, इनके इतने बदसूरत दिखने के पीछे एक कारण ये भी है कि ये साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के समुद्र की गहराई में रहती है, मतलब करीब 2000 फीट नीचे। यहाँ पर वाटर के सरफेस की तुलना में लाख गुना ज्यादा प्रेशर होता है और इस वजह से किसी को भी सरवाइव करने के लिए ऐसा ब्लॉब जैसा शेप बनाना पड़ता है। इसी वजह से आज वो ऐसी दिखती है। इसके साथ ही इन्हें समुद्र के तल पर जो भी इनके मुंह में फिट हो जाता है वो ये खा लेती है। नंबर 8, अंगोरा रैबिट। दोस्तों, अंगोरा रैबिट्स दुनिया के सबसे ज्यादा बालों वाले रैबिट्स में से एक है। वैसे तो इनकी ब्रांडिंग लंबे और सॉफ्ट बालों के लिए की जाती है, लेकिन ये काफी अच्छे पेट भी होते हैं। अंगोरा रैबिट कहां से आए हैं, इनका सर्टेन रिकॉर्ड तो आज नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि फ्रेंच सेलर इन्हें टर्की के अकारा से लेकर आए थे, जिसे पहले इन्हें अंगोरा कहते थे। वो इन्हें इसलिए लाए थे क्योंकि वो भी इनके बालों से वैसे ही सोल बनाना चाहते थे जैसे कि टर्की के लोग बनाया करते थे। अमेरिका रैबिट एसोसिएशन के मुताबिक इनकी लगभग 4 प्रकार की स्पीशीज होती है, फ्रेंच, इंग्लिश, सेटिंग और जायंट इंग्लिश। और जायंट के रैबिट के कान थोड़े अलग प्रकार के होते हैं, तो सेटिंग अंगोरा रैबिट के बाल सबसे ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। वहीं जायंट अंगोरा रैबिट इनमें से सबसे भारी और बड़ी ब्रीड होती है। इनका वजन 5 किलो तक हो सकता है। दोस्तों, एनिमल राइट एक्ट के तहत इनके बालों से वुल बनाने से हमेशा ही मना किया है, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान इन्हें काफी ज्यादा चोट और दर्द का सामना करना पड़ता है। साथ ही चाइना से ये रैबिट 90% तक सप्लाई किया जाता है और चीन में इन्हें बचाने का कोई कानून नहीं है। नंबर 9, बफेस्ट कंगारू। दोस्तों, हो सकता है कि इस कंगारू की फोटो आपने कभी देखी हो, क्योंकि ये कंगारू कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हुआ था। इसके वायरल होने की वजह उसके शरीर की बनावट थी। इसके मसल्स किसी भी इंसान की तरह ही लग रहे थे। इस कंगारू का वजन 90 किलो तक था और जब ये अपने दोनों पैरों पर खड़ा होता था तो इसकी लंबाई 6 फीट से भी ज्यादा हुआ करती थी। साथियों, इस कंगारू को जॉय नाम के इंसान ने पाला, क्योंकि एक कार एक्सीडेंट में इस कंगारू की माँ की मौत हो गई थी। जॉय इन्हें इस कंगारू को पालने के लिए काफी अच्छे इंतजाम भी किए, लेकिन फिर भी इस कंगारू की मौत 12 साल की उम्र में ही हो गई, यानी कि आज हम इस कंगारू को देख नहीं सकते। नंबर 10, जॉइंट आइसोपॉड। दोस्तों, ये जीव समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले सबसे अजीब जीवों में से एक है। ये आइसोपॉड फैमिली के सबसे बड़े सदस्य होते हैं, जो स्निप्ड या क्रैप्स से मिलते जुलते हैं। गार्डन में अक्सर दिखने वाले पिल्स बक को आप जॉइंट आइसोपॉड का मिनी वर्जन भी कर सकते हैं। वैसे तो इन्हें व्यापार के लिए कभी नहीं पकड़ा जाता, लेकिन चाइना और ताइवान के ओजन साइड रेस्टोरेंट में आप इन्हें फ्राई होते हुए और लोगों को खाते हुए आप देख सकते हैं। इनके इतने बड़े साइज का होने की वजह फिनोमिना है, जिसे हम डीप सी जेनेटिज्म कहते हैं। ये समुद्र की गहराई में रहने वाले जीवों में देखा गया है और ये लगभग 16 इंच तक लंबे हो सकते हैं और इनकी बॉडी एक हार्ट सेल से प्रोटेक्टेड होती है। ये सेल सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, जिससे इन्हें इस स्ट्रेंथ के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है और ये एक बॉल की तरह तेज स्पीड से भाग भी सकते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारी वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।